बे दे उपर उपर पहले लिखना, उस तो बाद नीचे आ जाना। अगर असी टक वाली मार करना करते तो सेंटर वाली लाइन च बे लिखनी सी। हुण असी लिख रहे हैं पेंसिल ना, लैड पेंसिल ना, असी इहनू इस लाइन दे विच बे बनाउणी आ। ए कोने जिहड़े ने इहदे इहदे दोनों बराबर होने चाहिए। यह लिखण तो बाद नीचे वाली लाइन जिहड़ी आ इस्तेमाल करनी है, ताकि मशक जिहड़ी आ ना ज़्यादा होनी चाहिए है। जिन्नी मशक ज़्यादा होनी है उन्नी जल्दी ये जड़ा ना लिखाई बेहतर हो जाएगी। यह लिख के फिर चेक करवा। अच्छा अब्दाल, यह देखो ना, यह दायरा बनाया वा, दायरा अच्छा बनया वा। इस लाइन के उपर यह स्वाद वेले बन जाए। यह दायरा आखिरी लाइन टच हो गए, यह बनना। फिर अलफ छोटा जहा बना के ये नीचे लगा देना। नुकता जोड़ा इस लाइन पर आना चाहिए। एक दफ़ा लिखना, दो दफ़ा लिखना, तसली हो जाए कि ठीक मैं लिख रहा वा। तो अगे पूरा पूरी लाइन एक लिख लेनी है। अगर नहीं तो ठीक हो रहा लफज तो फिर चेक करवाना वा। मैं उस दोबारे वो देखना होंगे कि कितों लफज खराब हो रहा वा तो कितों ठीक हो रहा, फिर वो उन्ना समझा होंगे। ठीक है, यह लिख के चेक करवाना। शाबाश। फिर मैं टी लिखना, इतों शुरू करना इनू, इनू अगे हल्का कर देना, इतों पकड़ना वा। यदा खम जड़ा ना, यही खूबसूरती है कि पहले आ हिस्सा बनाओ, हल्का कर दियो। इतों शुरू करके एक लाइन लिखनी है, फिर लिख के चेक करवानी है। रुहान बेटा ये उपर उपर लिखना वा, पहले इन्हों के उपर लिखना, फिर इदा ही नीचे आ जाना वा। जो तो असं इन्हों के उपर उपर लिखने ना, तो फिर इस तो अलावा भी असं लिख सकते हैं, क्योंकि पहले आ लिखा सी, फिर वैसे लिख लेने। ठीक है, हाँ एक लाइन लिख के फिर चेक करवाना वा, सही होया तो ज़्यादा लिखना है। बाद बच्चे कहते हैं जी ज़्यादा लिखिए ठीक हो जाता, ज़्यादा लिखा नहीं ठीक होंगे, समझ के लिखना ठीक होंगे। ठीक है, आ लो शाब, फिर इन्ह के उपर आ जाना। फिर ऐसा ऐसा इस लाइन पर आ जाना। ये ना इतों लाइन तो शुरू करिए ना, तो ये जो दंदान ने कोने ये बराबर रहने चाहिए दोनों। यह फासला जोड़ा वा इन्हों का एक जैसा होना चाहिए कि हर हरफ जोड़ा ना एक जैसा हो। जो एक जैसा बनेगा फिर तुम आसानी हो जाएगी। एक आ लाइन लिखनी है, यह नहीं लाइन लिखनी, फिर नीचे वाली लिख लेनी है। मशक जी है ना, इनू रोज़ाना ही करना वा घर जाके, ना कि जल्दबाजी करनी है। जिन्ना तुसी स्लो स्लो लिखना है ना, उन्ना तुहानू लफ्ज़ां दी पहचान हो जाएगी। जो पहचान हो जाएगी तो बाद दे विच स्पीड भी बन जाएगी। बाद बच्चे ने कहिंदे जी ये तुसी बड़ा आसा आसा दस रहे जी, आसा आसा लिखोगे लफ्ज़ां पहचान हो जाएगी, फिर तुसी जल्दी भी लिखना शुरू कर लोगे। ठीक है, यह हुण इन्ना लिखना तू।